कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी डॉ राजीव भारद्वाज ने डीसी कार्यालय धर्मशाला में अपना नामांकन भरा। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल, सुला के विधायक विपिन सिंह परमार, कांगड़ा के विधायक पवन काजल उनके साथ रहे। इस अवसर पर डॉ राजीव भारद्वाज ने कहा कि मैं नामांकन भरने आया हूं और भाजपा का वरिष्ठतम नेतृत्व मेरे साथ यहां पहुंचा है। उन्होंने कहा कि मैं पार्टी का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझमें विश्वास जताया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर तेज मैं देख रहा हूं और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जनता के बीच प्यार देख रहा हूं। उन्होंने कहा कि कांगड़ा, हिमाचल और देश की जनता ने मन बना लिया है कि एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे। सबसे पहले मैं आप सबकी शुभकामनाएं लेना चाहूंगा और आज हमारा जो वरिष्ठतम नेतृत्व है, विपिन परमार जी हमारे साथ थे, पवन काजल जी हमारे साथ थे, रीता जी हमारे साथ थे प्रपोजर के रूप में, और आदरणीय राजीव बिंदल जी, जयराम ठाकुर जी बहुत जल्द हमारे बीच में आने वाले हैं। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो जितने वरिष्ठ हमारे नेता हैं इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि मुझ जैसे कार्यकर्ताओं को इस बार पार्टी ने निर्देश किया, आदेश किया कि मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूँ और जनमानस के बीच में जाकर उनका आशीर्वाद, उनकी शुभकामनाएं प्राप्त करूं। उसी के निमित्त आज मैंने नामांकन दाखिल कर दिया है और आज के दिन मैं आप सबके चैनल के माध्यम से पूरे कांगड़ा चंबा और प्रदेश के सभी वासियों को अक्षय तृतीया की, परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। किस तरह देखते हैं कल भी कांग्रेस का एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन रहा है और आज भाजपा का शक्ति प्रदर्शन है, उम्मीद क्या है? मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह का तेज उनके चेहरे पर मैं देख रहा हूं, जिस तरह का स्नेह, आशीर्वाद और प्यार श्रद्धे नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए जनमानस के चेहरे पर देख रहा हूं, उसके मैं अपने अनुभव के आधार पर बता सकता हूं कि इस प्रदेश की जनता ने, इस कांगड़ा चंबा की जनता ने ये निर्णय कर लिया है कि नरेंद्र भाई मोदी फिर से तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री बने।